हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं एमपी फूड फैक्ट्री। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं सोया बरी की सब्जी। अगर आप इस रेसिपी से यह सब्जी बनाते हैं तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनती है। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों ये हमने सोया बरी ले रखी है, ये दोस्तों प्याज है, ये टमाटर है, ये हमने धना पाउडर ले रखा है, ये हमारा मसाला है, ये दो तो हमने हरी मिर्च ले रखी है, ये लिया है हमने नमक, ये लाल मिर्च पाउडर है, ये हमने ऑयल ले रखा है, ये हमने अदरक के पीसेस ले रखे हैं, ये हल्दी पाउडर है, और दोस्तों ये गरम मसाला है, और ये लहसुन ले रखी है। फर्स्ट स्टेप में हम एक बर्तन को गैस पर चढ़ा लेंगे दोस्तों, और उसमें हम अपनी सोया बरी की क्वांटिटी के हिसाब से पानी ऐड करेंगे, जिससे कि हमारी सोया बरी उबल सकें। आप देख सकते हैं मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया, और इसमें मैंने ऐड कर दी है सोया बरी, और इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारी सोया बरी पक चुकी है। ये देखिए दोस्तों, यह स्पंजी हो चुकी है। दोस्तों हमारी कढ़ाई का तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम लहसुन को ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने लहसुन को इसमें ऐड कर दिया है, और जैसे ही लहसुन ब्राउन होती है दोस्तों हल्की सी, उसके बाद दोस्तों इसमें हम अदरक को ऐड करेंगे। अदरक ऐड करने के बाद दोस्तों इसमें हम हरी मिर्च को ऐड करेंगे, जो 2 ठो हमने ली हुई थी। उसके बाद दोस्तों हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और गैस के फ्लो को हम लो पर रखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसमें जीरे ऐड करेंगे, और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे अदरक लहसुन अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि प्याज ऐड हो चुकी है, अब इसे हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे तरीके से पकाएंगे, जब तक कि यह ब्राउन नहीं हो जाती। दोस्तों एक से दो मिनट पकने के बाद हमारी प्याज हल्की ब्राउन हो चुकी है। दोस्तों इसे हमें थोड़ा और डार्क ब्राउन करना है। तीन से चार मिनट पकाने के बाद हमारी प्याज डार्क ब्राउन हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जब प्याज डार्क हो जाए हमें इसे तब तक पकाना है। उसके बाद दोस्तों इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। मैंने इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है। उसके बाद दोस्तों इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, या आप अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें हम नमक को ऐड करेंगे, नमक भी आप अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। उसमें हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने सारे मसाले को डाल दिया है, अब इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और इसे हम 4 से 5 मिनट तक अब पकने देंगे। इसमें हम थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे, जिससे कि हमारे सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो सकें। दोस्तों दो से तीन मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला ब्राउन हो गया है, लेकिन इसे अभी हम थोड़ा और पकाएंगे, जिससे इसका कलर डार्क ब्राउन हो सके। अब इसमें हम चिकन मसाला ऐड करेंगे दोस्तों,
उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसमें दोनों मसाले ऐड कर दिए हैं। और उसके बाद जो हमने टमाटर लिए हुए थे उसे हम ऐड कर देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने तीनों चीजों को ऐड कर दिया है और इसे अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। चार से पांच मिनट पकने के बाद हमारा मसाला डार्क ब्राउन हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर डार्क ब्राउन हो चुका है। दोस्तों अब इसमें हमने सोया बरी को ऐड करना है जो कि हमने पहले से उबाल कर रखी हुई थी। और सोया बरी को अब हम अच्छे तरीके से मसालों में मिक्स करेंगे जिससे कि सोया बरी में इसका फ्लेवर आ सके। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे कि यह अच्छे तरीके से मिक्स हो सके। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मसाले में हमने सोया बरी को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। सोया बरी को मिक्स करने के बाद इसे हम एक से दो मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने को। एक से दो मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी सोया बरी अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग पानी ऐड कर सकते हैं, आप जैसी ग्रेवी बनाना चाहते हैं। मैं इसकी ग्रेवी हल्की सी गाढ़ी रखूंगा। दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि हमारी सोया बरी बहुत ही शानदार लुक दे रही है। और इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आप ढाबे की रेसिपी भी खाना भूल जाएंगे। दोस्तों तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करें। दोस्तों इंस्टाग्राम में हमारा पेज MP फूड फैक्ट्री के नाम से है, जिसे आप सर्च करें और प्लीज उसे फॉलो करें। फाइनली दोस्तों हमारी रेसिपी हो चुकी है तैयार। आप देख सकते हैं कि हमारी सोया बरी कितना शानदार लुक दे रही है। और इस रेसिपी से अगर आप बनाते हैं तो यह सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें दोस्तों।